अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हैदराबादी बघारे बैगन। हमें हैदराबादी बघारे बैगन बनाने के लिए लगेगा मसाले में हमें लगेगा, हमने ये आधा किलो बैगन ले लिए हैं जिसे हम कट करके 1 टीस्पून विनेगर डाल के पानी में डाल देंगे। और हमने 1 टीस्पून ज़ीरा लगेगा, आधा कप हमने खिसा हुआ खोपरा लिया है, 1/4 कप फल्ली लगेगी और 1/3 कप हमने तिल लिया है और 3 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने चूल्हे पे भून लिया है इस तरह से। और 100 ग्राम इमली को गर्म पानी में भिगने के लिए आधा घंटा रख दिया था। तो चलिए अब इन सभी मसालों को हम रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। खोपरे में हमने बिल्कुल 1/4 टीस्पून ऑयल डाल के भून लिया था। इन सभी मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है। इसे एक जार में डालकर पहले हम सूखा पीस लेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम प्याज और पानी डाल के भी पीस लेंगे। प्याज को हम इसी तरह ब्लैक छिलके के साथ ही इसमें डाल देंगे, उससे टेस्ट सालन में अच्छा आता है। तो इस तरह हम रफली प्याज को कट करके इसको भी पानी डाल के, आधा कप पानी डाल के ग्राइंड करके ला लेंगे। देखिए अब हमारा मसाला अच्छे से बारीक हो गया है। विनेगर के पानी में हम बैंगन को कट करके डाल देंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें हमने आधा कप कुकिंग ऑयल डाला है और थोड़ा सा नमक डाल लेंगे ताकि हमारे बैगन चिपके नहीं। तो पूरे बैगन इसमें डाल देंगे जब तक कि ये हल्के से गोल्डन ना हो जाए। देखिए अब इसी तेल में हम 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे और कड़ी पत्ते डाल देंगे और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हम तेज वाली मिर्ची डालेंगे और 1 टेबलस्पून उतने हम लाल कश्मीरी मिर्ची डालेंगे और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टेबलस्पून हमने काला मसाला डाला है रेडीमेड वाला। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम इसकी रेसिपी डालेंगे, आप कमेंट करके बताइए। और जो मसाला पीस के रखा था वो भी इसमें डालकर अच्छे से भून लेंगे जब तक के इसमें से अच्छी खुशबू ना आए, तब तक इसे भुनना है। और 1 टीस्पून नमक डाल दें, नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और जो इमली रखी थी भिगाकर तो उसको हम अच्छे से उसका पानी इसमें डाल देंगे। फिर सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे और जो हमने बैगन फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। हम आखिर में इसमें 1 टेबलस्पून गुड़ डाल देंगे और इसे मिक्स करके ढककर 10 मिनट तक पकने देंगे। देखिए अब हमारे बैगनों पे अच्छे से तेल आ गया है। तो इसमें हम आखिर में हरा धनिया और कट करी हुई हरी मिर्ची डालकर इसे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे, एक बाउल में निकाल लेंगे। तो लीजिए ये हमारा हैदराबादी बैगन का सालन तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं आपका हैदराबादी बैगन का सालन कैसा बना था। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो फैमिली में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।